मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पर। और आज दोस्तों अक्सर मुझे कमेंट्स में लिखे हुए आ रहे हैं कि सर हमारे तिल है हथेली में तो उनका हम क्या करें या वो हमें किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए उसकी हेडिंग है हथेली में तिल। हथेली में तिल दोस्तों दो जगह मिलेंगे आपको, सबसे पहले रेखाओं पर और सबसे पहले दूसरे बार नंबर पे पर्वतों पर। तो आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं पर्वत पर। यदि पर्वत पर तिल है तो ये किस प्रकार का आपको परिणाम देंगे इसकी पूरी जानकारी आपके सामने। उसके पहले हम एक बार हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए ये हमारा हाथ हो गया। अब इसमें कुछ रेखाएं मैं बना देता हूं आपके लिए। ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये इसके यहां से निकलती हुई हृदय रेखा। दोस्तों मैं जैसे जैसे इसमें बताता जाऊंगा आपको सारी जानकारी स्पष्ट होती जाएगी। सबसे पहले नंबर पर मैं बात करता हूं शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर अगर किसी के तिल है, ये आपका शुक्र पर्वत का इलाका यहां पर आता है। तो दोस्तों यदि यहां कहीं पर इस जगह पे तिल हुआ किसी इंसान के, तो मान के चलिए वो इंसान थोड़ा सा, कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, उसके जो विचार होंगे दोस्तों वो पवित्र विचार नहीं होंगे। यानी पवित्रता जो है वो खत्म हो चुकी होगी उस इंसान की। ये इस तरह का नुकसानदायक एक बात है इसके लिए जिनके भी शुक्र पर्वत पे इस तरह का होता है। यानी हम देख सकते हैं कि एक चरित्रहीन व्यक्ति जो होता है उसके होने की संभावना यहां बनती है। हालांकि ये 100% सच हो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार यहां होने के बावजूद भी इंसान का चरित्र अच्छा देखा गया है, मगर 80% से 85% में केसेस ये आता है कि यहां यदि ये तिल है तो ये थोड़ा सा चरित्र में बाधा देता है, चरित्र को अच्छा नहीं बनाता है। सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं चंद्र पर्वत पर। तो दोस्तों चंद्र पर्वत पर जिनके भी ये है, ये आपका चंद्र पर्वत यहां पर आ गया इस तरह से, इस वाले पूरे पोर्शन पे, अगर यहां कहीं पर किसी के है तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात एक इस तरह से आ सकती है। ये इन लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि नदी, तालाब, कुएं, समुद्र, इनमें नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी यहां दुर्घटना घटने के इनके योग बनते हैं। इसलिए ये जितना दूर रहे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर भी होगा जो तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और एक दूसरी बात है, विवाह में इनके यहां पर देर होने की संभावना बनती है अगर चंद्र पर्वत पे ये है तो। तीसरे नंबर पे यदि गुरु पर्वत की मैं बात करता हूं, गुरु पर्वत पे यदि तिल है, गुरु पर्वत होता है आपका ये इस जगह पर, यदि यहां कहीं तिल हुआ तो दोस्तों उस इंसान के विवाह में बहुत परेशानी आती है, होते होते रह जाएगा या बजट संबंधी कोई परेशानी होगी। तो ये इस तरह की कोई भी परेशानी, अड़चन हो सकती है रिश्ता होने के बाद में, रिश्ते में मनमुटाव या शादी नहीं होने से पहले पहले काफी सारी परेशानियां उस इंसान को झेलनी पड़ेगी। और किसी भी काम में भी उसको उचित जो सफलता मिलती है वो नहीं मिलती है, ये हमेशा इसके लिए एक प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ा सा ये देखा गया है कि इस तरह का निशान या इस तरह का तिल होने पर व्यक्ति के जीवन में यहां प्रॉब्लम्स रहती है। फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूं आपके लिए यहां पे सूर्य पर्वत। अगर सूर्य पर्वत पे तिल है तो ये मान सम्मान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां अगर तिल हुआ तो दोस्तों ये शुभ नहीं माना जाएगा, मान सम्मान में कमी आएगी या बैठे बिठाए कहीं ना कहीं अचानक से इस इंसान के जीवन में अपमान आ जाएगा, मान सम्मान बिल्कुल डाउन हो जाता है। और समाज में ही नहीं, रिश्तेदारी में, घर परिवार में, सब जगह इसकी बदनामी सी हो जाती है। तो ये बदनामी वाला जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। पांचवें नंबर की मैं बात करता हूं यदि किसी इंसान के बुध पर्वत पर ये तिल है, तो बुध पर्वत देखिए यहां पर होता है इस तरह से, यदि यहां पर ये हुआ तो दोस्तों इसमें कोई नुकसान होने की संभावना बनती है। और ये नुकसान जो होंगे सोच समझ के बिल्कुल नहीं आएंगे, अचानक से नुकसान होंगे जो कि एक घातक आर्थिक नुकसान अपने लिए हो सकता है। इसलिए ऐसी अगर स्थितियां आपको अवगत हो गई है तो आप थोड़ा सा काम संभल के करें, किसी भी प्रकार की स्थिति को फेस करने के लिए तैयार रहें और ऐसी रिस्कबाजी न लेवें लाइफ में जिससे नुकसान उठाना पड़े। एक शनि पर्वत की मैं और बात करता हूं। ये शनि पर्वत आपका यहां आ गया, ये शनि
पर्वत। यदि यहां पर किसी के ये है तो दोस्तों उसके विवाह में विलंब होने की पूरी पूरी संभावना है, विवाह में विलंब होगा। और इसके अलावा भी कुछ अड़चने आ सकती है, काम होते होते रुक जाएगा, या वैवाहिक जीवन जो है दोस्तों वो थोड़ा संतोषजनक नहीं रहेगा। ये वैवाहिक जीवन में अड़चने आएगी, इसके लिए कुछ ना कुछ उनको उपाय करते रहने चाहिए ताकि दिक्कत ना रहे वैवाहिक जीवन, क्योंकि अगर यही ढंग से नहीं चला तो मजे वाली बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ ये मेरी जानकारी यहाँ पर क्लियर होती है, हथेली में तिल जो है पर्वतों पर अगर होंगे तो वो किस तरह के आपको रिजल्ट देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैं इसका अगला वर्जन बनाऊंगा रेखाओं पर, आप वो देखिएगा, उसमें आपका पूरा हथेली का मामला क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट जरूर करते रहें।